हो रहा है। हेलो एवरीबॉडी, ओके गुड। तो गौशाला आपको कहाँ खाना? बहुत अच्छा लग रहा। और आप? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ दिल्ली के खाटू श्याम धाम में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हेलो हाय। सो गाइस, मैं मंदिर में एंट्री ले चुका हूँ और ये कुछ स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ से झंडा उठाने वाले हैं। तो चलो भाई, क्या करके झंडा उठाएंगे यहाँ से। ये एक्चुअली मेरे नेबर हैं और ये भी लोग आज मेरे साथ आए हैं। और आज मैं काफ़ी सारे लोगों के साथ यहाँ पर आया हूँ। जैसे कि आपने लास्ट मेरी वीडियो में देखा होगा, मैं लास्ट टाइम अकेला आया था और इस बार मैं काफ़ी सारे लोगों को लेकर आया हूँ। तो अब इन लोगों ने झंडा उठा लिया और देखो, मैं आपको आज एक एक चीज़ यहाँ से बताने वाला हूँ कि क्या प्रोसेस होता है और कहाँ पर ये झंडे रखने होते हैं बाद में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग जाना चाहें तो ऐसे गाड़ी से भी अंदर जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन उन लोगों को झंडा उठाना था इसीलिए वो वॉकिंग करके जा रहे हैं। ये लोग आ चुके हैं यहाँ पर, सिर्फ 2-3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था। अभी ये झंडों को यहाँ पर रख देंगे, उसके बाद आप यहाँ पर पूजा भी कर सकते हैं। ये देखिए पुजारी जी यहाँ पर हैं। तो पंडित जी, कितना टाइम हुआ है मंदिर को बने हुए? अभी तो 3-4 माह हो गया। ओके, और तो बने अभी। और कितने लोगों का आना शुरू हुआ है? लोग बढ़ रहे हैं पर डे? हाँ, तो दिन पर दिन पब्लिक बढ़ रही है, आना शुरू हुआ है। काफ़ी संख्या में लोग आते हैं इधर, तो 1000-1200 संख्या में आ जाते हैं। ओके, संडे है और 13 को काफ़ी संख्या में आते हैं यहाँ, कम से कम 2000-3000 पब्लिक आती है। और पंडित जी, यहाँ पे जो छत्तीस धाम जो बन रहा है, इसको लगभग कितना टाइम लग जाएगा बनने में? इसमें तो अभी टाइम लग जाएगा, 1 साल लग जाएगा। 1-1.5 साल लग जाएगा। और जो छत्तीस धाम जो बन रहे हैं, उसमें एग्जैक्टली बनने क्या वाला है? इसमें अभी टाइम लग जाएगा। इसमें नहीं, उसमें बनने क्या वाला? लाइक मैंने सुना श्याम कुंड वगैरह बनेंगे, और क्या बनेगा? श्याम कुंड वगैरह बने हैं, श्याम कुंड बनेगा, वहाँ पे सारे देवी देवता वहाँ बनेंगे। 36 धाम मतलब 36 देवी देवता वहाँ विराजमान होंगे। ओके, और वहाँ पे कुंड बनेगा, वहाँ सभी लोग दर्शन करेंगे, वहाँ पे स्नान भी करेंगे, वहाँ कुंड बनेगा, सारी चीज़ें बनाई जा रही वहाँ पे। ओके, आने वाले समय में बहुत अच्छा बनेगा वहाँ पे। ओके, थैंक यू पंडित जी, थैंक यू। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया ही था कि आपको ऐसे रेलिंग्स के थ्रू दर्शन करने के लिए जाना होगा, तो चलिए हम भी चलते हैं आगे। देखिए सारे लोग आगे पहुंच चुके हैं। बाबा जाए ना, तेरा प्रेमी हार गया है, बाबा जाए ना।
गले लगा लेना, कुछ ना चाहे तेरे को गले लगा लेना। मुझे तुझ पे है ये भरोसा, मुझे तुझ पे है ये भरोसा, मुझे तुझ पे है ये भरोसा, मुझे तुझ पे है ये भरोसा। तू हर पल देगा साथ बाबा, मैं तो हार गया। तो ये कश्यप फैमिली है और ये खाटू श्याम जी के या जो भी भजन आप गवाना चाहते हैं वो गाते हैं और ये खुद के बने गाना गाते हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। हेलो सर। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो सर, किस तरीके के गाने आप गाते हैं और कहाँ कहाँ गाना गाते हैं, कहाँ कहाँ गा चुके हैं तो, और कब से गा रहे हैं आप, कुछ बताइए अपने बारे में। जी, ये बचपन से ही हम भजन गाते हैं। लाओ। भगवान के प्रति बचपन से ही हमारी रुचि है और बचपन से ही हम भजन गाते हैं और अब तक गा रहे हैं भजन बाबा के। और खुद के बने गाने आप गाते हैं? हाँ, मैं भजन अपने ही भजन लिखता हूँ और अपने ही भजन गाता हूँ और सभी भजन गाते हैं हम। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये इनके बच्चे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये इनके बच्चे हैं जो कि इनको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करते हैं। और मैम भी इनके साथ, जो कि आपने वीडियो में दिखाई था कितनी मगन होकर गाने गा रही थी, जो पर्सनली मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा है ऑनेस्टली। और बाकी अगर आप लोगों को इनसे गाने गवाने हैं तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सर, आपने नाम क्या बताया था अपना? मोनू माधव। तो मोनू माधव के नाम से मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा इन्होंने गाना गाया है, मैंने क्लिप इसमें ऐड कर दिए तो आप देख सकते हैं। तो जितने भी लोग दिख रहे हैं इन सबका ये फर्स्ट विजिट है, तो चलिए सबसे पहले हम इनसे पूछते हैं इनको कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा। ओके। बहुत दिन से सोच रहे कोई ले कहीं ना जावे, सब कह दे हम नहीं ले जा रहे, हम ना ले जा रहे, आज हम आए। कौन लेके आए आंटी आपको? खाटू श्याम। कौन लेके आए? खाटू श्याम। मेरा भी थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट है। गौरव लेके आया। गली से गली। आंटी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आंटी आपको? बहुत अच्छा लगा। तो ये सारे लोग आए, इन सभी को अच्छा लगा है, किसी को बुरा लगा ही नहीं यहाँ पे आके। अच्छा, मम्मी से पूछते, मम्मी तुम्हें कैसा लगा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। आंटी आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। खाटू श्याम हो गए आए हैं, यहाँ पर पहली बार आए, मन में ऐसे इच्छा है कि बार बार आए। अच्छा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा रेस्टोरेंट, ये देखिए यहाँ पर ये सभी लोग खाना खा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये 50 रुपीज की थाली मिलेगी, ये देखिए थाली में 3-4 चीज़ें होंगी जो आप यहाँ पर ले सकते हैं, जिसका प्राइस सिर्फ 50 रुपीज़ है। और आप देख सकते हैं क्राउड कितना आने लगा है यहाँ पर। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर ख़रीद के खाना खाना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटीज़ है। इसी के साथ आपको यहाँ पर 1 बजे यहाँ पर भंडारा भी ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। ये देखिए, चलिए हम आपको दिखाता हूँ कि भंडारा भी यहाँ पर हो रहा है। एक्चुअली ये लोग यहाँ पर भंडारा लाकर ही खा रहे थे, अदरवाइज़ वहाँ पर एक कैफ़े है या सॉरी छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आप 50 रुपीज़ की थाली भी ले सकते हैं जिसमें आपको भरपेट खाना भी मिलेगा। और ये देखिए सभी लोग भंडारा यहाँ पे खा रहे हैं। भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे 50 रुपीज़ की थाली तो मिलती है, इसी के साथ आपको यहाँ पर 1 बजे भंडारा मिलेगा। इस बार का भंडारा इनकी तरफ से हो रहा है। हेलो एवरीबॉडी। तो ये करवा रहे हैं इस बार का भंडारा। बाकी हर पर डे यहाँ पर अलग अलग, जो भी इवन आप भी अगर करवाना चाहते हैं तो वो आप भी करवा सकते हैं और आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं 1 बजे। आई थिंक ये भंडारा कढ़ी चावल का ही होता है, कुछ और भी चीज़ें मिलती हैं वो आपके ऊपर है, आप क्या बंटवाना चाहते हैं। अच्छा, पूरी इसमें बाद में ऐड हो जाती है, बाकी कढ़ी चावल कन्फर्म है, परमानेंट रहता है वो। ओके, सो थैंक यू। खाटू नरेश की जय। जय। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आज का जो भंडारा था वो इनकी तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था, तो उसका क्या प्रोसेस है ये सभी आपको भाई बताएंगे। देखिए, आप यहाँ पे आके 2 तरीके से भंडारा करवा सकते हैं। एक तो होता है 1100 रुपये में आप 1 दिन का भंडारा करवा सकते हैं और दूसरा तरीका है 11000 का, उसमें आप आजीवन बुक कर सकते हैं 11000 में। जो 11000 वाला भंडारा है उसमें जो है आप साल में किसी भी 1 दिन जब तक आप जीवित हैं तब तक भंडारा करवा सकते हैं, मतलब साल में आपको 1 दिन मिलेगा। वो आपकी आपका बर्थडे हो सकता है, आपकी आपका कोई और ओकेजन कोई भी ओकेजन हो सकता है, तो वो हिसाब से आप साल में 1 दिन करवा सकते हैं। ये आपके नाम से होगा जब तक भी आप जीवित हैं, और जो दिन वाला होता है वो 1100 का होता है।
ओके, सामान वगैरह जो भी होता है, स्टफ वगैरह जो राशनिंग का जो होता है लाने के लिए, वो बाहर से लाया जाता है या ये सब इनकी तरफ? वो सारी व्यवस्था कैंटीन करती है अपने आप, आपको खाली पर्ची कटवानी होती है 1100 रुपये की जो दिन का। और अगर ज़्यादा की कटवाना चाहे तो वो भी कटवा, वो आपकी इच्छा है। जैसे एक दिन में यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ, मतलब जैसे आज हमने भंडारा करवाया तो हमारे साथ खाली हमने नहीं करवाया, और भी लोग थे, तो जैसे आज 2 पर्ची कटी होंगी या 3 पर्ची कटी होंगी, तो हिसाब से वो खाना फिर उतनी ही मात्रा में बन जाता है। ओके ओके, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी थैंक यू, जय श्री श्याम। अकेली आप आई हैं? हाँ हाँ। तो अकेली आई हैं, कहाँ से आई हैं आप? रामपुर से। रामपुर से अकेली आई हैं आप? हाँ। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर? अच्छा लगा, बढ़िया लगा, खाना मिल रहा है, ठंडा मौसम है, पानी भी मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब चीज। और खाना कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बेस्टी, बहुत बेस्टी। ओके चलिए, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो ये देखिए, ये हमारी गली की आंटी हैं। तो आंटी कैसा लग रहा है आपको खाना? बहुत अच्छा लग रहा। और आपको कैसा लग रहा है? ये देखो, कैमरा आपको छोड़ेगा नहीं, बता। बहुत अच्छा है भैया, देखो अभी उधर मुकर के हाजिरी थी, इधर आके बहुत अच्छा है भैया। इतना सीरियस हो गए, देखो सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। मम्मी कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है, बढ़िया। आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया। भाभी आपको? बहुत अच्छा। ये देखिए, पूरे मजे लिए जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, लास्ट टाइम जब मैं आया था तब ये रेलिंग्स नहीं लगाई गई थी, लेकिन देखिए अभी सिक्योरिटी के लिए ये रेलिंग्स भी लगा दी है, कोई छोटा बच्चा यहाँ पर ना घुस जाए अंदर। और देखिए एक चीज़ मुझे जो काफ़ी अच्छी लगी, देखिए गाय के लिए ये देखिए कूलर वगैरह लगाए गए हैं ताकि इनको गर्मी वगैरह ना लगे। तो भैया ने मुझे यहाँ पर एक बात बताई है, ये जितनी भी आपको गाय दिख रही हैं ये सारी की सारी गीर गाय हैं। भैया ने बताया कि इन पर हाथ फेरने से आपको किसी भी तरह की क्योंकि परेशानी होती है, राइट, तो वो आपकी सही हो जाती है। ये सारी गिर गए हैं, क्या होता भी आपने क्या बताया? उनके शरीर पर हाथ फेरने से डेली ऊर्जा निकलती है। ओके, शरीर पर हाथ फेरने से डेली ऊर्जा निकलती है, जो काफ़ी पॉजिटिव वाइब होती हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी सॉल्व हो जाती हैं। तो चलिए हम भी फेर देते हैं। तो गाइस, मुझे यहाँ पर मेरे कुछ सब्सक्राइबर मिल गए हैं, इन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है। भाई बच्चे बोल रहे हैं कि मैंने आपकी वीडियो देखी है। हेलो बच्चों, हेलो, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, और गौशाला भी है। ओके, तो गौशाला आपको काफी अच्छी लगी यहाँ पर? ओके, आपका नाम क्या है? ओके, तो एक बार बोल दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके चलो बाय कर दो, बाय बाय। ओके गाइस, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। बाकी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो और बना रखी है, तो अगर आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप वहां पर जाके विजिट कर सकते हैं।